नमस्कार। दिल्ली से गलियारे तक, सड़क से मंत्रालय तक, हर खबर पर नजर। आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। नेताजी क्या कहेंगे सोलंकी सावरकर, विनायक दामोदर दास का आज जयंती है, उस जयंती के ऊपर आपने क्या कार्यक्रम रखा है, लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? सर, जैसे कि हर किसी को पता है, पूरे देशवासी जानते हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर जी का इस देश के प्रति क्या योगदान है। ये अलग बात है कि उसके पहले की जो सरकारें रही हैं उनके कार्यों के ऊपर उन्होंने न तो प्रकाश डाला और न ही किसी को डालने दिया। जबकि उसी पार्टी का एक नेता कहता है कि बोले मैं सावरकर नहीं हूँ, तो मैं उनको ये जरूर कहना चाहूँगा कि सावरकर बनने के लिए तुमको, तुम्हारी पीढ़ियों को 100-100 जन्म लेने पड़ेंगे, तब सावरकर हो सकते हो, नहीं तो संभव ही नहीं है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी को, जिनका कि मैं अनुयायी हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रस्ट का और नेताजी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इनको अपना गुरु मानते थे। जबकि उनकी जीवनी को हमने पढ़ा, उनकी जीवनी में वो मतलब सबसे अधिक अगर वो किसी को मानते थे, किसी के प्रति समर्पित थे, तो वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बाद अगर उन्होंने किसी को सबसे अधिक मान दिया, सम्मान दिया, तो स्वतंत्र वीर सावरकर थे। और इनके प्रति हम देशवासी, ये तो हमारा एक बहुत छोटा सा प्रयास है, एक मुंगी से भी कम शायद, लेकिन इनके प्रति हम देशवासी जो भी कर डालें, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के भी, तो भी इनके ऋण को हमारा देश, हमारे देशवासी कभी उतार नहीं पाएंगे। सर, आज इस उपलक्ष में आपने यहाँ पर क्या कार्यक्रम रखा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, आज हमने उनकी तस्वीर को माल्यार्पण के साथ यहाँ पर हमने एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, जिसमें कि जापानी कंप्यूटराइज मशीन के द्वारा बॉडी स्कैनिंग, नेत्र चश्मा वितरण और विकास कौशल्य, ई श्रम कार्ड, जीरो बैलेंस अकाउंट, जिनके पास में ई श्रम कार्ड नहीं है उनके लिए ई श्रम कार्ड के साथ साथ, आज भारत सरकार के द्वारा बहुत पोलियो लसीकरण का भी कार्यक्रम चालू है, हमने उनको भी रखा है। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों से आग्रह करते हैं, आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं।